फ्रेंड्स, आई डॉक्टर सचिन गोस्वामी वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर सचिन गोस्वामी इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि CCS यूनिवर्सिटी BA फर्स्ट ईयर इंग्लिश ग्रामर एंड फोनेटिक्स की हमारी एक सीरीज़ चल रही है, जिसमें मैं आपको सारी शॉर्ट स्टोरीज करा चुका हूँ। इसके अलावा ग्रामर के भी कुछ एसेंशियल टॉपिक्स आपको कराए जा चुके हैं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ग्रामर एंड फोनेटिक्स पेपर में जो लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं, उनमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन वॉवल एंड कॉन्सोनेंट। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये मैं आपको अपने बनाए हुए नोट्स के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ। और मैंने आपसे पीछे भी कहा था कि आपको अगर सरल भाषा में नोट्स चाहिए BA फर्स्ट ईयर इंग्लिश के, तो आप ऑनलाइन उन नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। और ऑनलाइन के लिए आपको क्या करना होगा, मेरा जो मोबाइल नंबर है 9756055255, इस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और इस नंबर पर आप डिटेल भी ले सकते हैं। 9756055255 पर आप व्हाट्सएप करके आप पूरी डिटेल अपनी सेंड कीजिए, अपना एड्रेस सेंड कीजिए। और इसी नंबर पर आपको पेटीएम में करना होगा 500 रुपीज़। शॉर्ट स्टोरी के नोट्स हैं और 500 आपके ग्रामर एंड फोनेटिक्स के नोट्स हैं। जो भी नोट्स आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत आसान होंगे। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स की। वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स का टॉपिक, सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्सोनेंट साउंड्स की। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ, ये दो तरह से आपका लिए फ़ायदेमंद है। सबसे मेन चीज़ तो ये कि ये क्वेश्चन ये आ सकता है, राइट ए नोट ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स। एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, दोनों में ये आएगा, दोनों के लिए ये एसेंशियल है। तो दोनों को आपको ध्यान रखना है, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के लिए भी एसेंशियल है और इसके अलावा ये वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स के लिए भी एसेंशियल है। अब अभी तक आपने देखा होगा नोट्स में आप पहचान नहीं पा रहे होंगे कि आप कैसे जो क्लासिफाई करें, कैसे आप पहचानें कि कौन सा सिंबल किसके लिए होता है। तो आज मैं आपके लिए दोस्तों ये फोनेटिक सिंबल्स ही लेकर आया हूँ। तो फोनेटिक सिंबल्स को आप पहचानेंगे कैसे और क्वेश्चन किस तरह के आएंगे, मैं ये भी आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन होगा राइट ए नोट ऑन द क्लासिफिकेशन ऑन वॉवल एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स, या फिर दूसरा क्वेश्चन बनता है राइट ए नोट ऑन फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन और उसमें कोई वर्ड दे दिया उसका ट्रांसक्रिप्ट कराने लगे। तो जब तक आप पे ये सिंबल्स नहीं आते तब तक आप फोनेटिक ट्रांसक्रिप्ट नहीं कर सकते। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले पॉइंट से। यहां पर ये फर्स्ट पॉइंट है हमारा, जैसे दोस्तों अगर जो आपको पा लिखना है, पा लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, पा के लिए ये गलत मेंशन है। यहां पर पा जो अगर जो लिखना है तो आपको स्मॉल पी बनाना है, स्मॉल पी बनाना है, स्मॉल पी नीचे की तरफ, तो इस तरह से हो जाएगा पा। और पा यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि पा ये रेफर, ये जो पा है ये छोटा पी बना हुआ है और इसका जो साउंड आता है ये पा में आता है, ठीक है ना, पा की साउंड देता है। अब हम बात करते हैं बा, बा कैसे लिखेंगे फोनेटिक सिंबल्स में, छोटा बी बना दीजिए, बा बन गया, ठीक है ना, छोटा बी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बा हो जाएगा। ऐसे ही अब हम बात करते हैं टा की, टा कैसे लिखें, टा और ठा की साउंड यहाँ पर आती है तो टा बनाना है तो ये छोटा सा टी बना दीजिए, ये टा की साउंड देगा। अब अगर जो हमें लिखना है डा, डैक बनाना है तो डै के लिए छोटा डी, ये फोनेटिक सिंबल्स है। दोस्तों कॉन्सोनेंट्स की बात कर रहा हूँ, कॉन्सोनेंट साउंड्स की बात मैं कर रहा हूँ, कॉन्सोनेंट साउंड्स के सिंबल कैसे बनेंगे, अगर जो आपको ये सिंबल्स यूज करने आ गए तो आप फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन भी आसानी से कर पाएंगे। अब यहाँ पर आता है हमारा का, का के लिए छोटा के बना दीजिए, फिर आता है गा, गा के लिए छोटा जी बना दीजिए। यहाँ तक बहुत इजी है, यहाँ तक आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। पा, पा बा टा डा का गा, पा बा टा डा का गा, पा स्मॉल पी, बा स्मॉल बी, टा स्मॉल टी, डा स्मॉल डी, का स्मॉल के एंड गा स्मॉल जी। अब हम बात करते हैं चा, चा कैसे लिखा जाता है फोनेटिक सिंबल्स में, ठीक है, क्योंकि शब्द भी बनाने को आएंगे आपको दोस्तों। तो चा कैसे लिखा जाता है, जैसे कि चा, चा हमें लिखना है तो छोटा सा टी बनाइए और एक साफ सब चला दीजिए, ठीक है ना, या फिर एस बना दीजिए लंबा सा, किसी भी तरह से आप याद कर लो। ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी दोस्तों आपको इसकी, आपने छोटा टी बनाया और टी के बराबर में आप क्या कर देते हैं, एक ये इस तरह का एस बना देते हैं, तो इससे क्या हो जाता है, ये बन गया हमारा चा, इसको हमने कहा चा, ये चा बोला जाएगा फोनेटिक्स लैंग्वेज में।
तो अब इसके बाद आता है ज, ज, ज कैसे लिखें हम। ज लिखने के लिए आप कीजिए ये डी बनाइए, ठीक है, और उसके बाद स्मॉल जेड जैसा आप बनाते हैं, तो इसकी साउंड होगी जा, ये जा की साउंड होगी। और फोनेटिक सिंबल जब आप अगर जो स्पेशली अलग करने के लिए जाए तो इनको आप ऐसे भी इस तरह से बंद कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है फा, फा को स्मॉल एफ बना दीजिए। वा, वा, वा फॉर वैन, तो इसको स्मॉल वी बना दीजिए। जब हम बात करते हैं था की, तो था कैसे बनेगा, था के लिए आप जैसे थीटा होता है ना, तो थीटा बनाना है आपको, क्वेश्चन क्यू बना देना है एक तरह से, तो ये आपका था की साउंड देगा, इसकी साउंड आएगी था की। अब हम बात करते हैं दा साउंड की, दा कैसे बनाएं। दा बनाने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, ये उल्टा सिक्स बना दीजिए। उल्टा सिक्स जो आपने बनाया ये साउंड देगा दा की, दा दवात, इससे दा, ये दा की साउंड देता है, इससे दा निकलता है। अब बात आती है सा, सा की साउंड के लिए स्मॉल एस बना दीजिए, दैट इज सो सिंपल, ये आपने स्मॉल एस बना दिया। अब बात आती है ज, 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 जहाँ पर जीरो, जू, तो ये ज, ज, जो वाइब्रेशन के साथ ये साउंड आती है ज, तो इसके लिए आपको क्या करना है, स्मॉल जेड बना दीजिए छोटा करके, जैसे कैपिटल में लिखा जाता है उसी का साइज स्मॉल कर दीजिए, ये ज की साउंड आ गई। अब हमें बनाना है शा, शा के लिए जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था ना, चा जब आपने लिखा था एक सांप सा बना दिया था, तो ऐसे ही यहाँ पर ये स्नेक टाइप का ये बना देना है एस, तो इसकी साउंड आएगी शा में, ये शा की साउंड है शा, जैसे शी, शी में शा, शा ऐसे लिखा जाएगा। और फिर उसके बाद हमारा आता है, जैसे कि हमने कहा ज, जय कहा, अब जय के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, जय के लिए हमने ये स्मॉल जेड बना दिया, ठीक है ना, स्मॉल जेड इस तरह से ये बना दिया, तो ये जा बन गई। अब बात आता है हा, हा की साउंड के लिए आप क्या क्या करना है, आपको स्मॉल एच बना देना है, मा की साउंड के लिए स्मॉल एम बना देना है, और ना की साउंड के लिए, ठीक है, ना की साउंड के लिए आपको एन बना देना है। तो इस तरह से ये अलग अलग साउंड इसमें आ जाती हैं। अब दोस्तों ये किस तरह से करना है, फॉर एग्जांपल ये देखिए वर्ड टी, टी शब्द आपको क्या आएगा, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन कीजिए टी शब्द का। टी का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन कैसे करेंगे, आपको ये तो पता है टा कैसे लिखते हैं, टा स्मॉल ये टा बना देते हैं। अब ये ई, ई ये बड़ी की साउंड दे रहा है, और बड़ी के लिए जब आप वॉवल्स को मैप कराऊंगा तो आप वॉवल्स समझ जाएंगे, तो आप आसानी से बना देंगे, बड़ी का निशान होता है ये, इसको बड़ी का मार्क कहते हैं, तो ये हो गया हमारा टी, इस तरह से आपने टी लिख दिया। तो ऐसे ही अलग अलग रूप में अलग अलग शब्दों को लिखा जाता है, तो उस तरह से आप करेंगे। तो एक बार मैं आपको रिपीट करा देता हूँ, पा स्मॉल पी, बा स्मॉल बी, टा स्मॉल टी, डा स्मॉल डी, ठीक है ना, का स्मॉल के, गा स्मॉल जी, चा बनाने के लिए टी बनाइए और एस बना दीजिए, जा बनाने के लिए डी बनाइए और स्मॉल जेड बना दीजिए, एफ बनाने के लिए, फा बनाने के लिए स्मॉल एफ बना दीजिए, वा बनाने के लिए स्मॉल वी, था बनाने के लिए थीटा क्यू, और दा बनाने के लिए उल्टा सिक्स, ठीक है ना, सा के लिए स्मॉल एस, जा के लिए स्मॉल जेड, और शा के लिए एक साफ सा बना दीजिए, जा के लिए स्मॉल जेड बना दीजिए, और एच के, और हा के लिए एच बना दीजिए, माँ के लिए एम बना दीजिए, ना के लिए एन बना दीजिए, ना के लिए यहाँ पर ये एन टाइप का इस तरह का बना दीजिए। जो अंगा की साउंड आपकी देगा ये सिंग सॉन्ग, तो इस तरह की साउंड के लिए आप इस तरह से कर लीजिए। तो दोस्तों ये तो थे कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स का अगर जो क्वेश्चन आता है तो आप इन्हें दिखा सकते हैं, अगर जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का क्वेश्चन आता है तो भी आप इनका यूज कर सकते हैं, और विद एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं, जो एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं। इसके बाद दोस्तों हमारे यहाँ ये 24 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, तो 20 मैं आपको बता चुका हूँ, चार आपके रह रहे थे, अब इसमें 21, 22, 23, 24 इसको कर लेते हैं। ला बनाने के लिए आपको क्या करना है, ला के लिए आप स्मॉल एल बना दीजिए, रा के लिए स्मॉल आर बना दीजिए, जा के लिए, या के लिए आपको क्या करना है, ये जे बना देना है छोटा सा, और वा के लिए डब्लू बना देना है, ठीक है ना। 24 होते हैं, बाय द मिस्टेक आई जस्ट टोल्ड यू 20 हेयर, सो नाउ ये 24 आपके कॉन्सोनेंट्स हैं, और 24 कॉन्सोनेंट्स जो आप करेंगे वो इस तरह से करेंगे, आई जस्ट रिपीट इट, फिर से मैं एक बार बता देता हूँ ताकि और अच्छी तरह समझ में आ जाए। पा स्मॉल पी, बा स्मॉल बी, टा स्मॉल टी, डा स्मॉल डी, का स्मॉल के, गा स्मॉल जी, चा के लिए टी और शाप बनाना है, जा के लिए डी और स्मॉल जेड बनाना है, फा के लिए एफ बनाना है, वा के लिए वी बनाना है, था के लिए थीटा बनाना है, दा के लिए उल्टा सिक्स बनाना है, सा के लिए स्मॉल एस बनाना है, जा के लिए स्मॉल जेड बनाना है, और ये जो शाह है शाह के लिए एक सांप सा बना देना है, जा के लिए स्मॉल जेड, हा के लिए एच, मा के लिए एम, ना के लिए एन, और अंग के लिए ये एन
को नीचे की तरफ खींच देना है. इसके अलावा एज ए 24 कॉन्सोनेंट्स आर देयर. इसके अलावा ला के लिए स्मॉल एल बना दीजिए, रा के लिए स्मॉल आर बना दीजिए, या के लिए स्मॉल जे बनेगा, और वा के लिए डब्लू का आप यूज़ करेंगे. इस तरह से ये 24 आपके ये है कॉन्सोनेंट साउंड्स होती हैं. दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे वॉवल साउंड्स की, कि वॉवल साउंड्स कौन कौन सी होती हैं. तो आइए वॉवल साउंड्स की तरफ हम देखते हैं. तो दोस्तों हमारे प्योर वॉवल्स होते हैं 12 और डिप्थोंग्स होते हैं 8. अब ये डिप्थोंग्स क्या होते हैं? डिप्थोंग्स होते हैं वॉवल ग्लाइड्स, जिनको हम वॉवल क्लस्टर्स भी बोलते हैं. ये क्वेश्चन भी आपका अच्छा क्वेश्चन है कि वॉवल ग्लाइड्स और वॉवल क्लस्टर्स इनको बोला जाता है. जब दो वॉवल यूनिट एक साथ आ जाती हैं, क्लोज हो जाती हैं, तो वो वॉवल ग्लाइड्स डिप्थोंग कहलाती हैं. तो प्योर वॉवल्स 12 होते हैं और डिप्थोंग हमारे 8 होते हैं. अब इनको कैसे आप याद करेंगे, इनको कैसे समझेंगे? फॉर एग्जाम्पल आ, आ कैसे लिखा जाता है? आ को लिखने के लिए हमें क्या करना है, ये स्मॉल ए बना देना और उसके आगे दो बिंदु लगा देने, या फिर आप ऐसे करके उल्टा सा 6 बना के दो बिंदु लगा सकते हैं. ये हो जाएगा हमारा आ, आ से आम. तो आ से आम ऐसे लिखा जाता है फोनेटिक सिंबल्स में. इसके बाद फिर आती है बड़ी ई. बड़ी ई को लिखने के लिए क्या बनाना है आपको, एक आई बनाना है और आई के आगे दो बिंदु लगा देनी है, ये बन गया बड़ी ई. फिर आता है छोटी ई. छोटी ई के लिए क्या करना है, केवल आई बना देना है, ये छोटी ई बन गई. फिर आता है ए. ए के लिए क्या करना है आपको, ये ई बना देना है, छोटा सा ई. ये सिंबल्स है फोनेटिक सिंबल्स, ये ऐसे ए की साउंड होती है, जैसे सेट. अब हम बात करते हैं ये आई, ए, ये ए की जो साउंड है या आ, तो ये साउंड कैसे निकलेगी, इसमें ए बना दीजिए और ए के साथ ई लगा दीजिए, ए, तो ये ए की साउंड आ जाती है. अब इसके बाद आती है आ. आ, आ की साउंड कैसे होगी, जैसे गाट. तो इस तरह से ये आपने साउंड निकाली आट, तो ये आ आप इस तरह से कर दीजिए, ये आ की साउंड हो जाएगी. औ, जो हम कहते हैं औ, औ, औ को कैसे करेंगे, उल्टा सी बनाइए, उल्टा सी बना के दो डॉट लगा दीजिए, कॉलन वाला जो मार्क होता है वो लगा दीजिए, औ की साउंड हो जाएगी. छोटा ऊ, छोटा ऊ के लिए आप क्या करेंगे, यू बना देंगे खाली. बड़े ऊ के लिए क्या करेंगे, बड़ा ऊ दे रखा है तो यू बनाएंगे और यू के आगे दो बिंदु लगा देंगे, ये बड़ा ऊ बन गया, ठीक है ना. फिर आ, आ की साउंड देने से गर्ल. जब इस तरह की साउंड आती है तो हम ये थ्री, जैसे आप बनाते हैं ना हिंदी का जो थ्री होता है, उसके आगे दो डॉट लगा दीजिए, ये आपकी साउंड आ जाएगी आ, आ की. इसके बाद आ की अगो, आओ, ये वाली साउंड जो होती है इसको आप इस तरह से बना देंगे, इस साउंड को. अब जैसे ये बीच में यू जब आ की साउंड देता है और उसको हम कैसे लिखते हैं, ऐसी सिचुएशन में हम इसको लिखते हैं ये उल्टा वी बना दीजिए. ओ की साउंड कैसे निकलेगी, ओ की पहले तो आप उल्टा ई बनाएंगे और ई के बाद आपने यू बना दिया, ठीक है ना, ये ओ की साउंड आ गई. आउ, आउ की साउंड के लिए आ ए बनाइए और ए के बाद यू बना दीजिए, ये होगी आउ की साउंड, साउंड आउ की साउंड, आउ. और इसके बाद आई, आई को लिखने के लिए क्या करना है आपको, ये ई बनाइए और आई बना दीजिए, आई, ये आई की साउंड हो गई. अब हम बात करें आई, तो आई के लिए आ, आ बनाइए और फिर आई बना दीजिए, आई, आ, ई, आ, आ की तो ये मात्रा हो गई, फिर ई, आई, तो ये आई हो गई. हमें लिखना है ईय, ईय के लिए क्या करेंगे हम, ईय के लिए हमने पहले छोटी ई बनाई फिर ये अ बना दिया, ईय. उआ, उआ, उआ की साउंड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, छोटा ऊ बनाइए आप पहले, ठीक है, फिर ये इस तरह से बना दीजिए, ये उआ की साउंड हो गई. अब हम बात करते हैं ए, ए की साउंड, जैसे हे, के, तो इसमें क्या होगा, ये हमने बनाया, ये छोटा ई बना दिया फिर ये उल्टा ई बना दिया, इस तरह से आप ये करेंगे, उल्टा सिक्स टाइप का बना दिया. तो ये आपकी ये साउंड हुई, ये वॉवल साउंड्स हुई. जैसा कि मैंने बताया 12 तो प्योर वॉवल्स हो गए और इसके अलावा 8 हो गए हमारे डिप्थोंग्स. तो इस तरह से दोस्तों ये बनते हैं हमारे सारे कॉन्सोनेंट्स और वॉवल साउंड सारे मिलाकर. तो कॉन्सोनेंट, टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट 24 साउंड्स एंड टोटल नंबर ऑफ वॉवल साउंड्स 20 साउंड्स. टोटल नंबर ऑफ वॉवल्स 20 हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स जो हैं वो 24 साउंड्स हैं. तो इनको आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इस तरह से ये आपके अलग अलग साउंड्स बनती हैं. और ये जो मैंने आपको समझाया है, हिंदी के साथ लिखा हुआ जो साउंड सिस्टम होता है ना, ये आसानी से नहीं मिल पाता, अवेल नहीं हो पाता है. ये मैंने आपको एक एक सीरीज जो है ना उसमें अलग अलग स्ट्रक्चर में यहाँ पर बताई है, अलग अलग स्ट्रक्चर में सारी चीज़ें दी गई हैं. उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी.
दोस्तों अगर आपको ये अच्छा लगा, ये वीडियो अच्छी लगी, या फिर ग्रामर की और शॉर्ट स्टोरीज की जो अन्य वीडियो हैं वो आपको पसंद आ रही हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें और लाइक भी करें। दोस्तों अगर आपको नोट्स चाहिए तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो नंबर है मेरा 9756055255, इस पर आप WhatsApp कीजिए और इस WhatsApp पर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। आप कॉल भी कर सकते हैं, कॉल के माध्यम से भी और WhatsApp के माध्यम से भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और आपको अपना एड्रेस सेंड करना होगा और पेटीएम के जरिए आप पेमेंट भी कर सकते हैं, जो कि 500 रुपीज़ है। तो थैंक यू वेरी मच। योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट हापुड़।